Hey guys, welcome to Tech for More YouTube channel. मेरा नाम है नायत. तो guys, आज हमारे पास आ चुका है Iqoo की तरफ से Z3 5G. ये जो फोन है बहुत ही शानदार लुकिंग फोन है और इसका जो अभी फिलहाल डब्बे देख सकते हो मैं, या फिर डब्बे को मैं सबसे पहले यहाँ पे कट कर देता हूँ. इसका जो डब्बे का लुकिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है. आपको इसका जो डब्बे का लुक देख के आपको प्यार हो जाएगा, बहुत ही सुंदर डब्बा दिखता है. तो हम सबसे पहले इसको हम यहाँ से कट वगैरह कर लेते हैं. इसके बाद हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. तो जो मेरा ये वेरियंट है ये 8GB 128GB वेरियंट है. तो इसमें आपको 6GB 128GB वेरियंट मिल जाती है जो कम प्राइस में मिलता है. तो सबसे पहले यहाँ में हमें कुछ लिफलेट्स वगैरह कुछ देखने को मिल जाती है. यहाँ पे भी Iqoo के ब्रांडिंग है, हर जगह पे ब्रांडिंग 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 किया गया है Iqoo की तरफ से. सबसे पहले इसको हम इसको निकालते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो एक TPU केस देखने को मिलता है जो आजकल बहुत सारे फ़ोनों से गायब होते जा रहा है. तो मेरे ख्याल से ये ठीक ठाक केस है और हर कंपनी को एक प्रोवाइड कराना चाहिए. इसका क्वालिटी भी सही है. यहाँ पे आप देख सकते हो सिम इजेक्टर टूल वगैरह और यहाँ पे कुछ क्विक गाइड्स वगैरह दिए जाते हैं. कोई काम के है नहीं बस सिम इजेक्टर टूल के अलावा. यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें यहाँ के USB केबल देखने को मिल रहा है. ये एक टाइप सी केबल है और मैं आपको सच बताऊँ इसका जो क्वालिटी है इस टाइप सी केबल के बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. आपको हाथ में लेके बहुत अच्छा लगेगा और ये 55 वाट तक की सपोर्ट पे आता है. फिलहाल इसको साइड पे करते हैं और हर चीज़ को थोड़ा साइड कर देते हैं क्योंकि अभी फिलहाल हम अपना फ़ोन को देखने जा रहे हैं कि फ़ोन कैसे दिखता है. ओके, तो फ़ोन को हम डब्बे से यहाँ से निकालते हैं. यहाँ पे कुछ कुछ कागज़ वगैरह दिख रहा है तो कोई काम के है नहीं. और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको एक पावर अडाप्टर देखने को मिल जाती है. ये है हमारा स्मार्टफोन, इसको हम साइड में करेंगे और सबसे पहले देखेंगे ये जो पावर अडाप्टर है कितना वाट का है. और यहाँ पे आप देख सकते हो वीवो की ब्रांडिंग में ये फ्लश चार्ज है 66 वाट का, लेकिन ये फ़ोन 55 वाट के सपोर्ट करता है. अभी आप देख सकते हो कि एप्पल कंपनी, सैमसंग कंपनी अपने चार्जर पावर अडाप्टर वगैरह वगैरह को अपने बॉक्स से हटा रहा है और यहाँ पे ये लोग 55 वाट के जगह पे 66 वाट के पावर अडाप्टर दे रहे हैं. तो बढ़िया है, Iqoo अच्छे काम कर रही है क्योंकि एक वीवो का सब ब्रांड है तो वीवो की तरफ से ये पावर अडाप्टर है. अब हम इन चीज़ों को थोड़ा साइड करेंगे यहाँ पे, और कोई भी चीज़ है नहीं, इनको थोड़ा साइड पे कर देते हैं और अब हम देखेंगे अपना फ़ोन कैसे दिखता है. तो ये देख सकते हो, ओहो. और इसको हम क्या करेंगे, इसके रैप से इसको थोड़ा आउट करते हैं, देखते हैं फ़ोन में. और फ़ोन में सच बताओ फ़ोन इतना लाइट है और थोड़ा सा टॉल फ़ोन है और साइड से आपको पकड़ने में भी मज़ा आने वाला है. तो यहाँ पर कुछ रैपर्स वगैरह है, इसको हम निकालते हैं. मैं बस इसका कलर देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ. ओके गाइस, तो हमारा ये फ़ोन रैपर से निकल चुका है और रैपर को फेंकते कोई काम का है नहीं है. और यहाँ पे फ़ोन देख सकते हो बहुत ही बढ़िया, इनहैंड फील बहुत ही बढ़िया. लेकिन आपको बता दूँ ये मेटल फ्रेम नहीं, ये एक प्लास्टिक फ्रेम में आता है, लेकिन बढ़िया है. 20,000 के रेंज में ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं. और यहाँ पे इस साइड पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है. यहाँ पे आपको ऊपर में आपको सिम का जो ट्रे होता है वो देखने को मिलता है. यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट माउंट, जो साइड फिंगरप्रिंट माउंट है, बढ़िया है. देखें कैसे फास्ट है या स्लो है, कैसे है, ये सारी चीज़ें देखेंगे. और मैं आपको बता दूं ये इसका जो कलर है बहुत ही शानदार कलर है. और यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल की कैमरा देखने को मिल जाती है. तो ये जो सुंदर सा फ़ोन है इसका हमने अनबॉक्सिंग कर दिया है और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि ये फ़ोन कैसा लगा मुझे, हैंड्स ऑन इसका कैसा है और ये इसको चला के इसका बैटरी बैकअप वगैरह सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ. और इस चैनल पे मैं आपको यहाँ पे रिव्यू वगैरह दे दूँगा कि ये कितना घंटा इसका बैटरी बैकअप दे देता है, बैटरी ड्रेन टेस्ट कैसा है इसका. इसके बाद अगर आप पबजी प्लेयर हो, अगर आप गेमिंग ज़्यादा करते हो तो गेमिंग के लिए ये फ़ोन सही है कि नहीं है, और कैमरा डिपार्टमेंट ने ये फ़ोन कैसा है, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिल जाएगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ठोकना मत भूलना, बिल्कुल फ्री होता है गाइस, दबा दो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाती है. मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद.